नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तो अपने घर का सपना प्रत्येक व्यक्ति देखता है। हर कोई अपनी सहूलियत के अनुसार घर खरीदता है। कोई नया मकान खरीदता है तो कोई पुराने घर को खरीद कर उसे रेनोवेट कराकर अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा लेता है। मगर क्या आप जानते हैं कि पुराने घर में प्रवेश करने से पहले हर किसी को वास्तुशास्त्र में बताई गई बातों को जान समझ लेना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर चाहे नया हो या पुराना, व्यक्ति को बिना घर की वास्तु पूजा करवाए उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना वास्तु पूजा किए घर में प्रवेश कर लेते हैं उन्हें उस घर में रहकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके कारण नए रहने वाले लोगों के जीवन में कई तरह की परेशानियां व समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि पुराने घर में प्रवेश करते समय जातक को अन्य किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पुराने घर में प्रवेश करने से पहले परेशानियों से बचने के लिए व्यक्ति को सरसों के दानों को घर में फैला देना चाहिए। अगले दिन उन्हें बाहर किसी चौराहे पर फेंक आना चाहिए। ज्योतिष व वास्तुशास्त्र की माने तो सरसों शनिदेव को दान की जाने वाली समस्त चीज़ों में से प्रमुख मानी जाती है। इससे घर में रहने वाली नकारात्मकता घर से बाहर निकल जाती है। इसलिए इस उपाय को शनिवार को करें और रविवार के दिन सरसों को घर से बाहर निकाल कर रखें। अगर घर ज़्यादा पुराना हो और अगर लंबे समय से वहाँ कोई ना रह रहा हो तो यही उपाय एक शनिवार को करना बहुत ज़रूरी माना गया है और पूरे एक सप्ताह तक सरसों को वहीं रहने दीजिए। अगले शनिवार को इसे बाहर निकालिए। इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पुराने घर पे भी किसी भी नकारात्मकता शक्ति से बचे रहेंगे। इस उपाय को ज़रूर आजमा के देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।